করছেন বাংলালিংক নিউজ। আমরা সত্যি চাপি না, সত্যি চাপি। প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ, আপনাদের সাথে আমি সঞ্জয়। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি নিউ দিল্লিতে। আসলে আত্মরক্ষার কথা যখনই আমাদের মনে হয় তখনই আমাদের একটাই জিনিস বা একজনের নাম মনে হয়, ব্রুস লি। কেন না, সেই ব্রুস লির যে উপস্থাপনা ক্যারাটে, এইটাই আমাদের সবার একটা ধারণা যে এটাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আজ আমরা ক্যারাটের প্রতি অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছি আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে। কারণ ক্যারাটে শুধুমাত্র যে আত্মরক্ষার কৌশল তা নয়, ক্যারাটে অ্যাকচুয়ালি সেলফ ডিফেন্স যেমন শেখায়, তেমনি সেলফ ডিটারমিনেশন তেমনি শেখায়, তেমনি সেলফ ডিসিপ্লিন তেমনি শেখায়, সব কিছুই শেখায়। এই ক্যারাটের এক মহাযজ্ঞ হচ্ছে আজ দিল্লির এই তালকোটরা স্টেডিয়াম। কারণ ক্যারাটের ন্যাশনাল মিট হচ্ছে এই তালকোটরা স্টেডিয়ামে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগী এখানে আজ উপস্থিত হয়েছেন। তারা তাদের তাদের রাজ্যে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সিলেক্টেড হয়ে আজ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে এখানে অংশগ্রহণ করছে। এখান থেকে যারা সেই রকম পারফরমেন্স করে জয়ী হবেন তারা আগামী দিনে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম উজ্জ্বল করবেন। এই তালকোটরা স্টেডিয়ামের আজ এই মহাযজ্ঞে আমরা সঙ্গে পেয়ে গেছি ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, যার উদ্যোগে আজ এই ন্যাশনাল মিট হচ্ছে। সেই ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি শিহান রজনীশ চৌধুরী, কথা বলে নেব ওনার সাথে। রজনীশজি, পহলে তো বাংলা এমজি নিউজ মে আপনা বহুত বহুত স্বাগত হ্যায়। থ্যাংক ইউ স্যার, আর বাংলা নিউজ কে লিয়ে মেরি বহুত বহুত শুভকামনা হ্যায়, কিউকি ইয়ে জো আপকা চ্যানেল হ্যায় আজ কি ডেট মে এক উভরতা হুয়া চ্যানেল হ্যায় আর হামেশা স্পোর্টস কো ভি আগে সে আগে বাড়া রাহা হ্যায়। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ शिहान। एक जो बात है कि आज यहाँ नेशनल मीट हो रहा है कैराटे का, देश के हर एक कोने से उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं वो अपना अपना स्टेट से सिलेक्टेड होके यहाँ आए हैं। कुल कितना खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खास करके बंगाल से कितना पार्टिसिपेशन है और आगे आप लोग का लक्ष्य क्या है? देखिए जी, यहाँ पर अभी 25 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और 25 स्टेट्स के अप्रोक्स 1500 प्लेयर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बंगाल की टीम बहुत अच्छी है, बंगाल के सबसे बड़ी टीम बंगाल की आई है यहाँ पर। मुझे देख कर ऐसा लगता है कि बंगाल के लोगों में एक जुनून है कराटे के लिए। 125 प्लेयर्स की यहाँ पर टीम आई है, ऑफिशियल्स भी यहाँ पर, रेफरीज भी आए हैं बंगाल से बहुत सारे। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि कराटे हिंदुस्तान में क्रिकेट के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है तो वो कराटे ही है। आज किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर जगह कराटे सीखते आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे। कराटे सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं है, कराटे आज की डेट में एज ए स्पोर्ट्स भी है। अब ये देखिए, स्कूल गेम्स में कराटे है, नेशनल गेम्स में कराटे है, यूनिवर्सिटी गेम्स में कराटे है, अभी एशियन गेम्स में इंडिया की टीम जाएगी खेलने के लिए, लास्ट ओलंपिक में भी कराटे है। तो कराटे अब आप अपने कैरियर के लिए चूज कर सकते हैं, कराटे अपनी फिटनेस के लिए चूज कर सकते हैं, कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए चूज कर सकते हैं। तो हर इंसान की ज़रूरत है कराटे। और तो जितना भी हमारी कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको आगे और आगे ले जाने के लिए जो प्रयास कर सकती है वो करेगी और कर भी रही है। आज जो यहाँ पर जितना पार्टिसिपेंट आए हैं, 25 स्टेट से जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं, यहाँ से जो लोग जीतेगी या जो लोग यहाँ से गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज जो भी हासिल करेगा या कामयाब होगा, वो लोग आने वाले दिन में उन लोग का कहाँ पार्टिसिपेशन होगा? देखिए, जो प्लेयर यहाँ पर अभी सेलेक्ट होंगे वो फर्दर जो भी हमारे इंटरनेशनल इवेंट होंगे उसके लिए सिलेक्शन होगा। जैसे कि अभी एशियन गेम्स का टीम जाएगी यहाँ से, तो हम अपने फेडरेशन के जो प्लेयर जो यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको हम आगे करेंगे उस सिलेक्शन में। अभी हमारे यहाँ पर अगस्त में ही एक इंडिया ओपन चैम्पियनशिप हो रही है जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे,
उसमें भी यहाँ के जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिस इवेंट्स में हमारी टीम जाएगी खेलने के लिए। ये जो इंटरनेशनल इवेंट में या एशियन बोलिए या जो जो आप बता रहे हैं उनमें जो जाएगी यहाँ का खिलाड़ी, उसका लिए एक स्पॉन्सरशिप का बात आना ही है, तो वो क्या फेडरेशन करेगी या भारत सरकार करेगी? क्योंकि नीति आयोग के अंडर में और कैराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंडर में आता है, उसका बदौलत ये एक नेशनल मीट हो रहा है, तो सरकार क्या इसमें स्पॉन्सरशिप देगी जो जो खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाने के लिए? देखिए, एशियन गेम्स में जो भी प्लेयर सिलेक्ट होगा उस प्लेयर का पूरा आना जाना रहना खाना पीना खेलना पूरी किट वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। हमारे मोदी जी और अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है कि डे बाय डे हमारे ओलंपिक्स में मेडल बढ़ रहे हैं, एशियन गेम्स में मेडल बढ़ रहे हैं, तो वो पूरा सरकार सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो फेडरेशन के गेम होते हैं, उसके अंदर प्लेयर्स के लिए फेडरेशन सपोर्ट करेगी। अभी एक दूसरा जोनर का क्वेश्चन है हमारा मन में, या हमारा मन में बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि जितना खिलाड़ी आए हैं वो सब खिलाड़ी और उनके पेरेंट्स का मन में, कि पिछले दिनों में देखने को आया है कुछ दिन से कि कैराटे का दो ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, एक काई एक क्यू। अब ये पेरेंट्स लोग दुविधा में है कि कौन ऑथेंटिक है, क्योंकि वो भी क्लेम करते हैं आप लोग भी क्लेम करते हैं, हालांकि आप लोग नीति आयोग के अंडर में हैं और सरकार का डायरेक्ट अंडर में है, लेकिन वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं इसके लिए आपका क्या कहना है? और आगे जाके आप लोग जो सरकारी जो स्पॉन्सरशिप है, सरकार का जो डायरेक्ट कंट्रोल कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अंडर है, ये कितना तक संभव होगा? देखिए सर, 2013 से आज तक सिर्फ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही नेशनल फेडरेशन है, और कुछ भ्रष्ट लोगों ने कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को खराब करने की कोशिश की, इसके लिए उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और उनके दो नंबर के कामों की वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, जेल भी काट के आए, आज भी वो केस उनके ऊपर चल रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों पर एकदम मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग कराटे को डेवलप नहीं कर रहे हैं, ये कराटे को सिर्फ एक दुकानदारी इन्होंने चला ली है, कराटे का नुकसान कर रहे हैं। कराटे इतना अच्छा गेम है, आप ये देखो वेल डिसिप्लिन का गेम है, लेकिन इन लोगों ने खराब कर रखा। जब कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक नेशनल फेडरेशन चल रही है और सारी चीजें सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, तो फिर एक नई फेडरेशन बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों बनाई इन्होंने, क्यों, उसका कारण जानिए। आज काई का टाई है एक बच्चे के पास, एक रेफरी के पास बैज है, अब उसको कियो का खरीदना पड़ेगा। आज उस एक रेफरी जज का सर्टिफिकेट उसने पास किया है काई का, अब उसको फिर कियो का देना पड़ेगा। मतलब हर चीज के अंदर उसको क्यों दो बार किया जा रहा है? आज एक इसने ड्रेस खरीद ली काई अप्रूव्ड, कल को उसको कियो अप्रूव्ड खरीदनी पड़ेगी। हम तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो ये तो कियो से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कराटे स्पोर्ट्स को खराब किया जा रहा है, क्यों इसको दुकानदारी बनाई जा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आज भी जितने भी डिपार्टमेंट है, किसी की भी भर्ती होती है तो उसका सिलेक्शन के लिए जो वेरिफिकेशन होती है सर्टिफिकेट की, वो काई ही करती है, आज भी वही करती है, और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो सिर्फ काई को मानते हैं। सरकारी डायरेक्ट ऑथोराइजेशन कब तक हो जाए? हमने सिर्फ आज भी गवर्नमेंट हमें ही मानती है, गवर्नमेंट ने कभी भी काई को डी रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारा एक रिन्यूअल रहता है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर भगवान ने चाही और सरकार ने चाही तो इसी महीने में हो जाएगा। ये तो भगवान का बात नहीं है, तो सरकार और आप लोग का बात है। सर, हमने काफ़ी दिनों से सरकार से अपील भी की है, बहुत सारी चिट्ठियाँ भी दी है, मैं खेल मंत्री से भी मिला हूँ, माननीय अनुराग ठाकुर जी से भी मिला हूँ, नीतीश परमाणिक जी से भी मिला हूँ, तो हम कंटिन्यू इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए। आज यहाँ क्या अनुराग ठाकुर या कौन आ रहे हैं सरकार के तरफ से? सर, यहाँ पर हमने उनको भी इनवाइट किया है, हमने इंडियन ओलंपिक को भी इनवाइट किया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन 3 दिनों में, टाइम तो उन्होंने फिक्स नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ पर आएंगे
और हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे। लेकिन रजनीश जी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन काई को मानती है, उधर बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन जो कैब है, कैराटे एसोसिएशन ऑफ बंगाल, वो तो कियो का अंडर में चला गया, ये तो एक मतलब हौचपौच हो गया। सर देखिए, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जिस दिन लेटर मिल जाएगा, उस दिन क्या होगा कि जो हमसे जुड़ी हुई जितनी भी स्टेट एसोसिएशन है, उन्हीं को स्टेट एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक उन्हीं को ऑथराइज करेगी। थैंक यू सर। जैसे कि आप लोग देखे कि रजनीश जी ने बताए कि भगवान ने चाहे और सरकार ने चाहे तो इसी महीने में ऑथराइजेशन शायद हो जाएगा। असले उनार वक्तव्य निरंतर प्रयास करे चलेछेन कैराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया जरा आधिकारिक आछेन तारा अक्लान्त परिश्रम करछेन जाते सरकार डायरेक्ट ऑथराइजेशन हय एवं सेई अनुयायी प्रत्येकटा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जाते एई कायेर अंडारे जा आगे छिलो ताई हबे, कारण एटार जन्य खाली एकटु रिन्यूअलेर दरकार। से रिन्यूअलटा आटके आछे, उनारा अक्लान्त परिश्रम करछेन जाते जत शीघ्र सम्भव रिन्यूअल हये जाय एवं एखान थेके न्याशनल मीट थेके जारा एगोबेन তারা আগামী দিনে তাদের সমস্ত যাওয়া আসা থাকা খাওয়া এবং সমস্ত ধরনের আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে পারফরমেন্স করার জন্য যা যা প্রয়োজন সব সরকারের তরফ থেকে করবে। ভিডিও জার্নালিস্ট নিরার সাথে নিউ দিল্লি তালকোটরা স্টেডিয়াম থেকে বাংলা এমজি নিউজের জন্য সঞ্জয় শাহ।